वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ रूटीन में जो भी वीकली प्लानिंग रहती है वो सारे आइडियाज शेयर करूंगी, थोड़े बहुत हैक्स एंड टिप्स दूंगी जो रेगुलर बेस पे मैं यूज़ करती हूँ। और आप कह सकते हो कि बस 2 घंटे काम कर लो और 1 महीने का आराम कर लो, वैसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि मील प्लानिंग है एवरी इंडियन हो या कोई भी किचन हो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिपरेशन के लिए पहले तो क्या है कि हमें सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके स्टोर करनी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही ये मिर्च है या कोई भी हर्ब्स वगैरह हो तो आपको पहले क्या करना है, मिर्च को अच्छे से स्टोर करने के लिए आपको उसके डिंडल निकाल देने हैं। फिर कोई भी फूड कंटेनर जो आपके घर में पड़ा हो, टेक अवे कंटेनर हमारे सबके ही घर में पड़े रहते हैं, तो इसमें टिश्यू रोलर डाल दो या फिर कॉटन का कपड़ा डाल के आपको डिंडल निकालने के बाद अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर आपको मिर्च है इसमें स्टोर करनी है। और 15-20 दिन क्या 1 महीने 2 महीने तक इस मिर्च को कुछ भी नहीं होगा। और ज़्यादा रखनी हो तो आप ऊपर भी एक कॉटन का कपड़ा रख सकते हो या टिश्यू पेपर रख सकते हो। इसी तरह आपको जब भी बाहर जाते हो तो सब्जियां लाते हो तो सब्जियां पहले वॉश करने के लिए उसमें जो भी पेस्टिसाइड्स है वो निकालने के लिए आपको वाइट विनेगर का यूज़ करना है। पानी में वाइट विनेगर डालना है, 5 मिनट रखना है, फिर नॉर्मल टैप से आपको सारी सब्जियों को वॉश कर लेना है जिससे कि ऊपर जो भी पेस्टिसाइड वगैरह होगा वो तुरंत ही निकल जाएगा। इसी तरह हर्ब्स हो, चाहे पुदीना हो या फिर कोरिएंडर हो, मेथी हो, जो भी पालक वगैरह हो उसको वॉश करना और ऊपर से उसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो टाइम रहते हम नहीं करते उसको स्टोर तो वो बिगड़ जाता है, हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं और इन सारे काम में बहुत ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं टिप्स बताऊँगी। पहले तो आपको क्या करना है, जो रूट वाला पार्ट है सबके ही हर्ब्स में निकाल देना है। फिर यहाँ पर रबर बैंड लगी हुई है उससे ऊपर का और नीचे का थोड़ा पार्ट मैं अलग रख लूँगी और इससे मैं ग्रीन चटनी बना लूँगी। तो ये सारे डिंडल वाले पार्ट निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्जी वगैरह में डालने के लिए वो ही बचेगा। तो हमें एक एक या तोड़नी नहीं पड़ेगी, वैसे ही हम इस तरह से कट कर सकते हैं और फिर इसको स्टोर कर सकते हैं। और सारे हर्ब्स में मैं यही करती हूँ, जिसको इस तरह से कट करके हमें सब्जियों में डालना हो तो यहाँ पर बस वही मेथड है। बस यहाँ पर जब देख सकते हो 15-20 दिन तक पहले की मेरी कोरिएंडर वैसे की वैसे ही, ऐसे ही हम दूसरे कंटेनर में इसको भी स्टोर कर लेंगे। और क्या है कि अभी विंटर की सीज़न है तो बहुत सारे वैसे लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, वो लीफी वेजिटेबल्स खाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि जब भी आप लेके आए तो तुरंत ही इसका काम निपटा दे, वरना क्या रहता है मॉइस्चर वगैरह रहता है तो बिगड़ जाता है और क्या रहता है कि हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर ऊपर मेरी पहले से ही कोरिएंडर पड़ी हुई थी तो इसको मुझे ज़्यादा दिन तक रखना था तो ऊपर भी मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है जिससे कि जो भी वेपर वगैरह पानी निकले वो सोक कर ले। अब हम क्या करेंगे, जो भी डिंडल का पार्ट था कोरिएंडर का उसको वॉश करने के लिए छोड़ देंगे और फिर बाद में हम इसकी चटनी बनाकर भी रखेंगे। और अब आती है पुदीना की बारी। वैसे ही पुदीना में ऊपर की ओर लीव्स ज़्यादा रहते नहीं, ऊपर का भाग में निकाल दूंगी। और यहाँ पर कहूँगी कि जो भी हर्ब्स के रूट वाले पार्ट निकाल देते हैं इतना भी आप क्लीन कर लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका जो है ख़त्म हो जाता है और हमें काम करने में भी मज़ा आता है। बस यही हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, ऐसा ही मेरे एक सब्जी का डिब्बा पड़ा हुआ था तो उसमें भी मैं उसी मेथड से इस जो पुदीना है उसको भी स्टोर करके रख दूंगी। वो थोड़ा घेरा करता है पर आपको क्या करना है, प्रेस करके सारा ही पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हो। और फिर हम जो भी पुदीना के थोड़े बहुत पत्ते जो हमें लगता था कि थोड़े श्रिंक हो गए हैं उसका हम यूज़ करेंगे, जो हमने कोरिएंडर के डिंडल निकाले थे उसके साथ उसकी चटनी बना देंगे। अच्छे से वॉश कर
लेंगे और फिर इसकी चटनी बनाएंगे, थोड़ा सॉक करने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम क्या करेंगे कि सभी इंडियन किचन में जो मेन इंग्रेडिएंट्स है खाना बनाने का, वो है लहसुन छीलना और लहसुन की चटनी बना कर रखना। अगर ये काम हो जाता है तो हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है और 5 मिनट में कोई भी रसोई वगैरह हम बना सकते हैं, वो उसके लिए कि जो गार्लिक खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारे घर गार्लिक बहुत ही खाया जाता है, तो यहाँ पर मैंने उसकी कलियाँ सेपरेट सेपरेट कर ली थी। फिर उसके जो भी ज़्यादातर इस तरह का जो भी कवर्स वगैरह थे वो मैंने निकाल दिए थे, फिर कलियाँ ही रह जाएगी, वो ज़्यादातर कचरा निकल जाएगा। फिर गर्म पानी में आपको 5 मिनट तक उसको सोक करने के लिए रखना है और फिर आपको इसको पील करना है। और सारे ही इंडियन किचन की जो भी मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ, ऐसी प्रिपरेशन आप कर देते हैं तो आपका बहुत सारा, मैं कहूँगी आपका 60% काम है वो तो बस 2 घंटे में ही हो जाएगा। उसी तरह से जब भी करेले की सब्जी बनानी रहती है तो उसको छीलना और इसमें से जो भी कड़वापन है वो निकालने के लिए हमें टाइम लगता है, पर आप इस तरह से करके रख देते हो तो तुरंत ही आप सब्जी बिना कड़वास के बना सकते हो। बस इस तरह से मैंने पील कर लिया है और फिर मुझे मसालेदार बनानी थी तो मैंने इस तरह से कट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसी में एक मेथड बताऊँगी कि जो पिलर है उससे आपको इस तरह से सर्कल में इसको घुमाना है तो तुरंत ही जो अंदर का पार्ट है, जो सीड वाला पार्ट है, जो कड़वा वाला पार्ट है, वो एकदम ही निकल जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको वॉश कर लूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी तो उसका कड़वापन ही निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्टोर करके रखना है तो सॉल्ट वगैरह डालना नहीं है, जब भी बनाना है तो 5 मिनट पहले सॉल्ट डाल दो, वरना फिर आप स्टोर करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। आपको वॉश करके ड्राई करके फिर स्टोर करना है, सॉल्ट ऐड नहीं करना है। उसी तरह अब हम ग्रीन चटनी भी बना लेंगे, जो भी पार्ट घर से निकले हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। नॉर्मल चटनी ग्रीन चटनी जैसे बनाते हैं उस तरह से मैं बना रही हूँ। चिली ऐड की है, मूंगफली के दाने हो, शुगर हो, पोटैटो हो, जिंजर हो, आपके अकॉर्डिंग है, दही भी डाल सकते हो, पुदीना डाला है, कोरिएंडर डाला है और पानी ऐड करके हमारी चटनी भी बन चुकी है। और इस तरह की चटनियाँ बनी रहती है तो कोई वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ भी हो, बच्चों को कभी कभी भूख लग जाती है, मंचिंग वगैरह करना है तो ये चटनियाँ तैयार होती है, तो हम चाट वगैरह भी बना सकते हैं और आप जो भी रोटी बची है उसमें से भी अच्छे से चाट बना सकते हैं, जो ये 2 चटनियाँ आपकी तैयार हो तो। और ऑलरेडी रोटी में से कैसे चाट बनाते बहुत ही यम्मी बनती है, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल पर है। अब ग्रीन चटनी बन चुकी है, अब इमली की चटनी भी बना लेते हैं। यहाँ पर इमली ले ली है मैंने, उसके साथ ही मैं गुड़ ऐड कर दूँगी, उसके साथ ही सॉल्ट ऐड कर दूँगी और इसमें पानी ऐड करके उबालने के लिए रख दूँगी। जब तक ये उबलता है तब का हम दूसरा काम करेंगे। और सारे ही प्रिपरेशन में क्या होता है कि टाइम बहुत लगता है, तो एक काम जब हो रहा होता है तो दूसरा काम हमें स्टार्ट कर देना है, तो ही आपका काम जल्दी से होगा। यानी कि मल्टीटास्किंग जॉब आपको करनी है। वैसे ही मैं इस तरह की अदरक की बना कर रखती हूँ, जो अदरक आती है ग्रीन वाली उसमें नींबू सॉल्ट ऐड करना है, और जो रेड मिर्च वाली पेस्ट मैंने आपको बताई थी उसमें भी लाल मिर्च, नींबू और शुगर डाल के आपको उबाल लेना है पीस करके, फिर तो भी ये चटनी है 5-6 महीने तक इजीली चल जाती, बहुत ही यम्मी लगती है। कभी मैं इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब भी आती है ये जो है सरगवे की बारी, ड्रम स्टिक की बारी। वैसे ही हम इसे रख देते हैं बड़े बड़े से, तो एक फ्रिज में भी जगह ज़्यादा ले लेता है, तो इस तरह से मैं कट करके रखती हूँ, ज़्यादा दिन तक भी चलता है, श्रिंक भी नहीं होता, ड्राई भी नहीं होता। तो आपको इसको भी वही मेथड से आपको स्टोर करके रख देना है। और इसी बीच में क्या रहा था, मेरी इमली उबल गई थी तो बीच बीच में मैं हिला रही थी, बस इसको भी इस तरह से स्टोर कर देंगे। जब भी सब्जियां वगैरह लाते हैं तो ये सारे ही काम करके रखने हैं, तो फ्रिज में भी ज़्यादा जगह बन जाएगी और आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहेगा और हमारा 1 मंथ तक ये सारा ही काम चल जाएगा और आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगी। और इसी तरह में मुरमुरे जो है उसको भी
इस तरह से फ्राई कर लूँगी, जिससे कि जब भी मुझे कुछ इसका बनाना हो तो तुरंत ही बन जाए। बस ऑयल लिया है, इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, नमक ऐड कर देंगे और हींग ऐड कर देंगे, और जो हमारे मुरमुरे है उसको स्लो फ्लेम पर ड्राई होने तक यानी कि क्रंची होने तक हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर वो काम हो रहा था तो मैंने सोचा कि अब दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ये सारे ही टाइम कंज्यूमिंग काम है, कभी कभी हम सोचते रह जाते हैं पर जब करने बैठते हैं तो सारे काम एक साथ हो जाते हैं। और अगर आपको वर्किंग वूमन है तो ये आपको जो मंथली प्लानिंग है, वीकली प्लानिंग है, जो मील प्रिपरेशन की, वो आपको करके रखनी चाहिए, तो आपका एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो एकदम ही निकल जाएंगे। उसी तरह भुना हुआ मसाला या भुना हुआ ये जीरा है वो भी बहुत ही काम आता है, तो स्लो गैस पर मैंने उसको भी भुनने के लिए रख दिया है। इमली मेरी अच्छे से उबल गई है, उसको निकालने के बाद मैंने जो दूध है गर्म कर लेके छोड़ दिया है। मेरा ध्यान अगर नहीं रहता और दूध बाहर निकल जाता है तो उसको आपको क्या करना है, स्पैचुला डाल के अंदर रखना है, जिससे कि आपका दूध बाहर ना निकले। अब हम क्या करेंगे, जीरा भून गया था तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। तब तक हमारा जो लहसुन था वो 5 मिनट हो चुकी थी, तो बस आपको लहसुन को बस एक इस तरह से कट लगाना है, दूसरे हाथ से इस तरह से छील लेना है, बस एक ही कट लगाना है और ढेर सारे लहसुन आपका छिल जाएगा, आपके हाथ में आपके नेल में जलन भी नहीं होगी और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी। एक बार इस तरह से लहसुन छिल के देखना। यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, स्टोर करने के पहले आपको इसको ड्राई होने देना है, वरना लहसुन बिगड़ भी सकता है। और यहाँ पर इतनी प्रिपरेशन हमारी हो गई थी और मैंने काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया था, अब हमारा जीरा जो हो ठंडा हो गया था उसको पीस लिया था, उसको इस ग्लास के कंटेनर में भर देंगे। बहुत सारी सब्जी हो, बहुत सारी रेसिपी हो और ख़ास तौर पर हमारी जो छाछ रहती है उसमें डालने के लिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। बस हमारी इमली भी ठंडी हो चुकी थी तो अभी हमें ग्राइंड कर लेंगे और फिर इसकी जो इसको है वो छान लेंगे और फिर इसको उबाल लेंगे। उबालना ज़रूरी इसीलिए है कि क्योंकि उसको हमें 1-2 महीने तक स्टोर करके रखना है, जिससे कि वो बिगड़े नहीं, जो भी एक्स्ट्रा वाटर वगैरह होगा वो उबालने के कारण जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो हमारी इमली वैसे की वैसे ही रहेंगी। अभी तक हमें क्या करना है, कुछ भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करने हैं। जब भी आपको खानी है तो थोड़ी सी लेनी है और जो भी आपको लहसुन की पेस्ट वगैरह डालना है वो तब डालना है, अभी आपको ऐसे ही स्टोर कर लेना है। बस ग्लास के कंटेनर में भर दी हूँ और अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। और फिर हम लहसुन को भी अच्छे से ड्राई हो गया है, इसको भी कंटेनर में डाल देंगे और अब हम दही बना लेंगे। यहाँ पर हमारा दूध थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, पूरा ठंडा नहीं होने देना, इसमें हम दही ऐड कर देंगे या आपके पास छाछ हो तो भी ऐड कर सकते हो। बस अच्छे से मिला लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे और क्या होगा कि तुरंत ही जो है 7-8 कलाक में ये हमारा दही बनके रेडी हो जाएगा, वरना इसमें बहुत ही देर लगती है। तो मैंने कैसरोल में डाल दिया था। फिर हम क्या कर देंगे, अदरक की भी पेस्ट बनाकर रख देंगे। सारे ही अदरक लाई थी वो मैंने छील ली है, फिर मैं इसके टुकड़े कर दूंगी और इसको ग्राइंडर में पीस लूंगी। और इसके साथ में आप चाहो तो मैंने मूँगफली का ऑयल डाला है, आप चाहो को सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो, हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा और इसको भी हम निकाल देंगे। तो मेरी इतनी जो प्रिपरेशन है वो 1 महीने के लिए काफ़ी है, जब भी मुझे कुछ बनाना है बस तुरंत 5 मिनट में बन जाएगा। वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक और होम ऑर्गेनाइजेशन लगते वीडियो मेरी चैनल पर आते रहते हैं। तो एक बार इस तरह से प्लीज़ मील प्लानिंग करके देखना और फिर देखना आपको कैसे फ़ायदे मिलते हैं। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर